स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि प्राक मौर्य युग में जो मगध साम्राज्य का उदय है वह किन परिस्थितियों में हुआ तथा मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे। तो हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों में सिर्फ और सिर्फ मगध ही एक ऐसा महाजनपद था जिसने अपनी प्रतिष्ठा और प्रभुसत्ता स्थापित की और समस्त उत्तरी भारत के सत्ता का केंद्र बना रहा। और 6 शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास की जो सबसे बड़ी घटना थी वो यही थी कि मगध साम्राज्य का उदय, क्योंकि मगध साम्राज्य के उदय ने अनेक योग्य शासकों को अपने साम्राज्य को दिया जिससे वे योग्य शासक इतिहास में अपना अपना नाम अमर कर गए। तो आइए देखते हैं कि मगध साम्राज्य के उदय के कौन कौन से कारण थे। आइए एक बार इसको हम अच्छे से देखते हैं कि मगध साम्राज्य का उदय, द राइज ऑफ द मगधन इम्पीरियलिज्म अर्थात मगध साम्राज्य का उदय। तो हमने आपको बताया कि 6 शताब्दी ईसा पूर्व की यह सबसे बड़ी घटना थी, और सबसे बड़ी घटना इसलिए थी क्योंकि 6 शताब्दी ईसा पूर्व में जो महाजनपद थे वे 16 महाजनपद थे, और ये महाजनपद क्या थे कि बहुत ही छोटे छोटे क्षेत्र के राजा इसमें होते थे, केंद्रीय स्तर पर बहुत बड़ी सत्ता कोई नहीं थी। लेकिन जैसे ही मगध राज्य का उदय होता है तो उत्तरी भारत में सबसे बड़ी सत्ता के रूप में जो मगध साम्राज्य है वो आपका उभर कर सामने आता है तथा अन्य महाजनपदों या अन्य राज्यों पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने में यह कामयाब हो जाता है, और इतिहास के प्राचीन इतिहास के बहुत बड़े फलक पर मगध साम्राज्य का नाम स्थापित हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसके उदय में मगध साम्राज्य चूँकि बहुत बड़ा साम्राज्य था और इतिहास काल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था और समस्त उत्तरी भारत के सत्ता का केंद्र भी था, तो इसके उदय में किसी एक कारण ने तो महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया होगा। इसके उदय में विभिन्न विभिन्न कारणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए जानते हैं कि किन कारणों ने इसके उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो किसी भी, चाहे वह सभ्यता हो, चाहे साम्राज्य हो, चाहे व्यक्ति हो, उसके उदय में कुछ महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो होते हैं भौगोलिक परिस्थिति या वातावरण, सामाजिक उसके कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। लेकिन यहाँ हम जब मगध साम्राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मगध साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी, उसके राजनीतिक संगठन कैसे थे, और किन आर्थिक कारणों की वजह से तथा किन सामाजिक कारणों की वजह से मगध साम्राज्य ने अपनी प्रभुसत्ता तथा उत्तरी भारत के सत्ता का केंद्र बनने में सफलता हासिल की। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमारा कारण है वो भौगोलिक स्थिति। तो हम जानते हैं कि जो हमारा मगध साम्राज्य था वह आधुनिक रूप में पटना, गया, शाहबाद अर्थात बिहार के पास का क्षेत्र जिसमें झारखंड के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, वह यह उन क्षेत्रों में स्थापित था। अब इसके देखते हैं कि ये तटवर्ती मैदानों के ऊपरी भाग तथा उसके निचले भाग के मध्य में स्थित था, अर्थात जो आपका मगध था उसमें पटना, गया और शाहबाद क्षेत्र शामिल थे। यह जो आपका आपका मगध था वो तटवर्ती मैदानों के ऊपरी एवं निचले भाग के मध्य में स्थित था। ऊपरी और निचले भाग के मध्य में स्थित होने की वजह से सामरिक दृष्टि से काफ़ी सुरक्षित और उपयोगी भी था। देखते हैं कि मगध साम्राज्य के क्रमशः 2 राजधानियां बनाई गई थी। एक राजधानी मगध साम्राज्य की राजगृह थी और दूसरी जो राजधानी मगध साम्राज्य की पाटलिपुत्र थी। किसी भी साम्राज्य की राजधानी अगर पहले बनाई जाती थी तो सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को राजधानी घोषित किया जाता था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह के बारे में। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगृह, वो तीनों तरफ
पहाड़ियों से घिरी हुई थी। पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित थी, क्योंकि पहाड़ियों से घिरी होने के कारण बाह्य आक्रमण आसानी से नहीं हो सकते थे। जब बाह्य आक्रमण आसानी से नहीं हो सकते थे तो वहाँ के जो सम्राट थे उनको पूरा पूरा मौका मिला कि अपने साम्राज्य को व्यवस्थित किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और साम्राज्य का विस्तार किया जाए। क्योंकि एक साम्राज्य के विस्तार में, सुदृढ़ता में उसकी जो सबसे बड़ी कमी होती है वो उसकी सुरक्षा होती है। लेकिन जो मगध साम्राज्य था वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था, इसलिए मगध साम्राज्य को कभी भी इस बात की कोई चिंता नहीं हुई कि उसका साम्राज्य सुरक्षित नहीं है। राजधानी राजगृह तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरी होने के कारण सामरिक दृष्टि से अति सुरक्षित थी। वहीं दूसरी ओर जो पाटलिपुत्र राजधानी थी ये तीनों तरफ नदियों से घिरी हुई थी, जिसमें गंगा, गंडक, सोन, पुनपुन, सरयू आदि नदियाँ चारों तरफ से इसको घेरे हुए थी और ये एक जल दुर्ग या टापू की भांति था, इसलिए बाह्य आक्रमण से यह भी अति सुरक्षित था। तो दोनों ही दृष्टियों में मगध साम्राज्य बाह्य आक्रमण से बहुत ही सुरक्षित था, इसलिए इन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करने, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्राप्त करवाने तथा उससे स्थायित्व बनाने में पूरा पूरा समय मिला, और इस समय का लाभ वहाँ वर्तमान शासकों ने उठाया और साम्राज्य का विस्तार किया तथा साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान की। अगला है कि मगध में आर्थिक संसाधनों की बहुलता। तो इसके पहले हमने भौगोलिक स्थिति बताया, अब दूसरा जो कारण है वो मगध में आर्थिक संसाधनों की बहुलता। मगध जो था वो आपका तटवर्ती इलाकों में आता था। तटवर्ती इलाकों का मतलब नदियों के पास के क्षेत्र, और जैसा कि आपको पता है कि नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, अर्थात जहाँ से नदी बहकर जाती हैं वह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है, चूँकि नदियाँ बाढ़ की वजह से जो उपजाऊ मिट्टी ला करके वहाँ उनका अवसादन करती हैं, इस वजह से वह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। उपजाऊ होने की वजह से वहाँ फसल अच्छी पैदा की जा सकती है। तो ये जो आपका मगध क्षेत्र था वो तटवर्ती इलाकों में था, इसलिए अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र था। साथ ही साथ मगध के क्षेत्रों में उस समय पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती रहती थी। वर्षा होने की वजह से कृषि कार्य करना बहुत ही आसान हो गया था, अर्थात कम समय में अच्छी फसल एवं अच्छा उत्पादन वहाँ के कृषकों को प्राप्त हो रहा था। इसकी वजह से वहाँ अधिशेष उत्पादन की वजह से उद्योग धंधे, व्यापार एवं वाणिज्य का विकास क्रमशः बढ़ता रहा। इस व्यापार और वाणिज्य के विकास ने सिक्कों के प्रचलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यही सिक्कों का प्रचलन जो बढ़ता गया, इसके बाद वहाँ नियमित राजस्व की प्राप्ति होने लगी। तो नियमित राजस्व की प्राप्ति होने से जो वहाँ के शासक थे आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो गए। आर्थिक रूप से संपन्नता आने की वजह से धीरे धीरे वे अपने आगे की योजना को बनाने में सफल रहे तथा उन योजनाओं का कार्यान्वयन वो अच्छी तरीके से कर सके। अगला देखते हैं मगध का सैन्य संगठन। तीसरा जो क्रम है वो आपका है मगध का सैन्य संगठन। तो चूँकि आर्थिक स्थिति से मगध जो आपका राज्य था वह काफ़ी संपन्न था, नियमित कर वसूले जा रहे थे, कृषि उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, राजस्व की प्राप्ति स्थायी रूप से राजा को होने लगी थी या सम्राट को होने लगी थी। तो अधिक राजस्व प्राप्त करने की वजह से साम्राज्य को स्थायी सेना रखने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सेना को नकद वेतन या उसके खर्चे के लिए कुछ राशि या कुछ फसल उसको सैनिकों को देना पड़ता था, इसलिए बड़ी सेना रखने के लिए जरूरी था कि राज्य आपका आर्थिक रूप से संपन्न हो। तो मगध जो राज्य था वह आपका आर्थिक रूप से संपन्न था, नियमित कर व्यवस्था थी, अधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, उद्योग धंधे विकसित थे, इसलिए सैन्य संगठन का विकास पर्याप्त रूप से हुआ।
सैन्य संगठन के विकास में हमें देखते हैं कि जो मगध साम्राज्य की सेना थी वो पैदल सेना थी और घुड़सवार सेना थी। पहले पैदल और घुड़सवार दोनों सेनाएं थी, लेकिन बाद में मगध के जो जंगली क्षेत्र हैं आसपास उसमें हाथियों के पाए जाने से अचानक एक नई सेना का संगठन या गठन होता है जिसे हम गज सेना कहते हैं, जो उस समय मगध के साम्राज्य के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। क्योंकि नदी तट के किनारे मगध आपका जो था वह बसा हुआ था, इसलिए जो दलदली क्षेत्र होते थे प्रायः वहाँ घोड़ा का उपयोग बहुत ही कम होता था या घोड़े उतने उपयोगी नहीं थे, साथ साथ में पैदल सेना को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि युद्ध के समय दलदली क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो उपयोगी साबित हुए वो हाथियों की सेना या गज सेना सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि उन दलदली क्षेत्रों में गज सेना का कार्य बहुत ही उपयोगी था। गज सेना से आक्रमण करना बहुत ही आसान था, साथ ही साथ बड़े बड़े दुर्गों को भेदने के लिए भी हाथियों की जो सेना थी गज सेना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। इसलिए गज सेना ने सैन्य संगठन में पर्याप्त वृद्धि कर दी, इस वजह से मगध साम्राज्य की जो सैन्य कुशलता है वो बहुत ही अच्छी हो गई तथा वे आसपास क्षेत्र को आसानी से विजित करते चले गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले गए, उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगला क्रम में हम देखते हैं कि जब मगध जो सैन्य संगठन था उसमें तीन प्रकार की जो सेनाएं थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, ये तीनों सेनाओं का तो महत्वपूर्ण स्थान था ही, साथ ही साथ मगध के आसपास लोहे के जो है पाए जाने से, अर्थात मगध के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ से खुदाई में जब लोहा प्राप्त हुआ तो इस लोहे से छोटे छोटे अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र, हेलमेट, सुरक्षा कवच, हथियार, नए नए उन्नत किस्म के हथियार बनाए जाने लगे। इन हथियारों की वजह से वो दूसरे क्षेत्रों पर या दूसरे राजाओं पर श्रेष्ठता साबित करने में सफल रहे। अगले क्रम में हम देखते हैं कि मगध के शासकों का योगदान। तो मगध वंश की जो स्थापना थी वो बिम्बिसार से शुरू होती है और क्रमशः अजातशत्रु, फिर पुष्यमित्र शुंग और महापद्मनंद जैसे योग्य शासकों का नाम आता है कि प्रारंभ में बिम्बिसार ने मगध साम्राज्य को सुदृढ़ एवं स्थापित किया। इसके बाद उसको क्रमशः बढ़ाने का जो कार्य था, साम्राज्यवादी नीतियों को विस्तारित करने का कार्य जो था वो अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु के बाद शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी धीरे धीरे। तो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग भी एक योग्य शासक था, इसलिए उसने भी मगध साम्राज्य का विस्तार एवं उसको सुदृढ़ करने का कार्य किया। इसी क्रम में महापद्मनंद ने भी मगध साम्राज्य के सुदृढ़ता एवं साम्राज्य विस्तार में अपना पूरा पूरा योगदान दिया। कहा जाता है कि अगर योग्य उत्तराधिकारी न हो तो साम्राज्य का विनाश बहुत ही जल्दी होता है, क्योंकि अगर योग्य उत्तराधिकारी नहीं है तो साम्राज्य की सुदृढ़ता दृढ़ता कभी भी बनी नहीं रह सकती, क्योंकि जितने भी संसाधनों का उपयोग करना है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। कमज़ोर जो योग्य शासक होते हैं, कमज़ोर शासक जो होते हैं उनमें दूरदर्शिता का अभाव रहता है, दृढ़ संकल्प की कमी रहती है, युद्ध कुशलता का भी अभाव रहता है, साथ ही साथ जो उनकी एक्टिविटी है अर्थात जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता है वह भी बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए जितने भी अयोग्य शासक हुए उन्होंने साम्राज्य के विनाश में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन मगध के साथ ऐसा नहीं था। बहुत ही सालों तक मगध में योग्य शासक हुए जिन्होंने अपने अपने योगदान से मगध साम्राज्य का विस्तार किया और उसको सुदृढ़ता प्राप्त की। उन योग्य शासकों में बिम्बिसार, अजातशत्रु, पुष्यमित्र शुंग और महापद्मनंद का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। अगले क्रम पे हम देखते हैं कि मगध का स्वतंत्र वातावरण। किसी भी साम्राज्य के उत्थान में या पतन में उसके स्वतंत्र वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे विचारों का सृजन अच्छे वातावरण में संभव होता है, कि अगर स्वतंत्र वातावरण नहीं है तो अच्छा निर्णय ले पाने में आप उतने समर्थ साबित नहीं होंगे। यही स्थितियाँ मगध के साथ बनी रही कि जो मगध का वातावरण था वह बहुत ही स्वतंत्र था, क्योंकि मगध साम्राज्य का उदय प्राक मौर्य युग में माना जाता है और जस ये वैदिक काल के खत्म होने के बाद इस प्राक युग की शुरुआत होती है। वैदिक काल की जो व्यवस्था थी वो आर्य की व्यवस्था थी। आर्यों में क्या था कि आर्यों में पुरोहितवाद, धर्मवाद, जातिवाद, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो थी वो प्रचलित थी। इस वजह से उस समय के राजा निर्णय लेने में उतने समर्थ साबित नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही प्राग मौर्य में मगध साम्राज्य का विकास होता है, इसमें आर्यों के स्थान पर अनार्य का शासन होता है, इसलिए इसमें धार्मिक कट्टरता, धार्मिक उत्साह, जातिवाद ये सब बहुत ही सीमित मात्रा में होते हैं। इस वजह से अनार्य की व्यवस्था होने की वजह से, एक स्वतंत्र वातावरण होने की वजह से ये निर्णय लेने में बहुत ही सक्षम साबित होते हैं। इस वजह से मगध साम्राज्य का स्वतंत्र विकास होता है। मगध साम्राज्य उत्तरी भारत का सत्ता का मुख्य केंद्र बनकर इतिहास के फलक पर उभरता है, साथ ही साथ कई वर्षों तक यह सुदृढ़ बना रहता है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि मगध साम्राज्य के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, तो उन परिस्थितियों को क्रमशः हमने आपको पढ़ाया कि मगध साम्राज्य का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही हुआ था, उसकी भौगोलिक स्थितियाँ क्या थी, उसका आर्थिक संसाधन किस तरीके से था, उसकी सैन्य संगठन क्षमता किस तरीके से थी, इसी के साथ में उसके जो योग्य उत्तराधिकारी हैं उनका योगदान क्या था उसके उत्कर्ष में, और जो वहाँ के स्वतंत्र वातावरण था वो किस प्रकार था। ये मगध साम्राज्य का उदय आपके मेंस का टॉपिक है, अर्थात जब मुख्य परीक्षा में आपका अगर ये क्वेश्चन आता है कि मगध साम्राज्य का उदय किस तरीके से होता है, तो जिस चीज़ों को हमने पढ़ाया है इन पॉइंटों को आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में शब्दों की संख्या कम कर दी गई है, इसलिए आसानी से इन पॉइंटों को लिखते हुए थोड़ा बढ़ाते हुए अगर आप लिखेंगे आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो आज का सेशन मगध साम्राज्य का उदय के साथ, आज का जो हमारा ये इतिहास का प्राक मौर्य का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं इसके अगले क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ये स्टडी विद टाइगर है वो चैनल आपके अपने परिवार के तरीके से है, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।